हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। सो गैस, किरण बुक 16,000 प्लस बुक का सोल्यूशन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कॉमन एरर की अब तक पूरी 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आज है आपकी ये वीडियो नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर के कुछ और क्वेश्चंस की। सो गैस, यहां वीडियो में तो आपको बने रहना ही है बच्चों, कंटिन्यू। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 26 जनवरी से पहले पहले अगर आप लोग ये पूरी बुक का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं। इस पूरी बुक का कोर्स को बाय करने के लिए आपको हमें व्हाट्सअप नंबर पर, हमारे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, हमें मैसेज करना होगा और जानकारी लेनी होगी, क्योंकि बिफोर 26 जनवरी इस पर ऑफर है। ये 16,000 प्लस बुक का हम लोग पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज़ में गाइस, जो कि बहुत शानदार तरह से बच्चों आपको कराया जाएगा और बहुत ही बिल्कुल रीजनेबल मैंने चार्जेस रखे हैं। ऐसे चार्जेस जो कोई भी इजिली प्रोवाइड कर सकता है, 1 मंथ ट्यूशन की फीस के बराबर है ये आपकी, और 1 मंथ में आप लोग इसको ऑफलाइन में फिनिश नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और कोई भी आपको, पहली बात तो किरण बुक सोल्व कराएगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। हम लोग आपको ऑलरेडी किरण का 14,000 प्लस करा चुके हैं, अब ये 16,000 प्लस है। हाँ, उन बच्चों के लिए गुड न्यूज, जिन्होंने पहले से ही 14,000 प्लस ले रखा है, वो सिर्फ 199 रुपीज़ दे करके इसमें ऐड हो सकते हैं ग्रुप में, उनको बाकी की एक्स्ट्रा वीडियोज़ अपने आप मिल जाएंगी। सो ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है आपका, जो कि 26 जनवरी से शुरू हो रहा है दोस्तों। आप लोग इसमें अपना एनरोल करा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक्स कराए जाएंगे, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये पूरे 11 चैप्टर्स आपको कवर कराए जाएंगे बहुत शानदार तरह से। एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलने वाला है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। और कोई डेमो के लिए अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर हाई भेजिएगा, हम लोग आपको डेमो के तौर पर कोई भी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप कहें उस टॉपिक से, अपनी मर्जी से नहीं, जो टॉपिक आप कहेंगे उस टॉपिक से आपको डेमो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग डेमो देखिएगा और आनंद लीजिएगा। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो नंबर 6, जहां हम लोग आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स को कवर करेंगे, जो कि आपकी 16,000 प्लस की बुक से ही है। आप लोगों को बुक मार्केट से ले लेनी है या फिर इसका जो भी PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बुक को, बिकॉज मैं इसको बुक के PDF से ही पढ़ा रहा हूँ। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, और कोई भी जानकारी लेने के लिए, क्वेरी लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर 8279738238 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और डेमो वीडियो अपना बुक कर सकते हैं और ले सकते हैं, और इसमें अपना नाम एनरोल कर सकते हैं। आप पेमेंट को 2 पार्ट्स में, यानी कि इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, यस, पहला 500, फिर 400, आप लोग इस तरह भी पेमेंट देकर अपना ये कोर्स ले सकते हैं। आपके सभी एग्जाम्स में ये काम करेगा, चाहे वो SSC का हो, चाहे NVS का हो, ESIC का हो, DSSB का हो, या आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम में आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। चलिए गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, सो गाइस, कॉमन एरर फ्रॉम किरण न्यू बुक स्पेशल फॉर पेड कोर्स, 251वां सेंटेंस आज हम करेंगे। 250 तक मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको करा चुका हूं। इनफ मटेरियल आपको मिल रहा है इस समय, ये बच्चों मैं अपने सिस्टम से लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन दोनों में ही थोड़ा सा समय लगना है, समय लगाना भी है आपको, क्योंकि ये दोनों पोर्शन समझने के हैं। बाकी ग्रामेटिकली पोर्शन, क्रमिंग पोर्शन है, जब मर्जी आप उसको रट्टा मार सकते हैं, जितनी मर्जी बार उसको आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ये दो पोर्शन ऐसे हैं जो आपके समझने के हैं, जिन्हें आपको समझना पड़ेगा भी, इसलिए थोड़ा सा स्लो हक के वीडियो को जब भी देखें, रूल्स जितनी बार भी आपके सामने आ रहा है उतनी बार ही आपको रूल्स लिखना होगा, ध्यान रखें, एक बार भी रूल आपको अपने माइंड से स्किप नहीं होने देना है। सेंटेंस नंबर 251 में कह रहा है कि आई बॉट टू स्लीपर्स। तो गाइस, यहाँ पे उसने जो कहा टू स्लीपर्स, ये आपका रॉन्ग है। अच्छा होगा आप यहाँ पे इस्तेमाल करें अ पेयर ऑफ, टू की जगह अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा रूल मैंने आपको बताया था अपने एक टॉपिक के दौरान, जो था हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट। मैं ये बोलता हूँ बच्चों कि जिसको प्रेजेंट इनडेफिनेट आ गया, समझो उसने इंग्लिश का एक बहुत बड़ा किला अपने नाम कर लिया। प्रेजेंट इनडेफिनेट इंग्लिश ग्रामर की जान है। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रेजेंट इंडेफिनेट ही नहीं आता, वो इंग्लिश क्या सीखेंगे बच्चों। इसलिए स्पेशल प्रेजेंट इंडेफिनेट आपके डिमांड पर 2 बार मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, जाइए अभी चेक कीजिएगा यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनेट के नाम से ही, यस, लेटेस्ट वीडियो देखिएगा, जो उनसे लेटेस्ट आई भी हो, जो उनमें से उनसे भी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास माइक का भी प्रबंध हो चुका था तो आवाज़ क्लियर आपको आएगी। तो गाइस, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी कंटिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म ही नहीं होती, उनमें से एक आपकी लविंग भी है। सी, लुक,
वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, बहुत सारी वर्ब ऐसे हैं जिनकी एनजी फॉर्म नहीं होती है। उन्हीं में से एक आपका लव भी है। आई एम नॉट लविंग यू, ये कहना गलत होगा। आई डोंट लव यू, कुछ इस तरह सेंटेंस बनना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है फिलहाल मिस्टेक, आई थिंक। सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, आई थिंक। सो यू हैव, तो गाइस यहाँ पे आई थिंक दैट, नॉट सो, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। सो की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे कंजक्शन लगाएं, प्योर कंजक्शन जो कि है दैट। सो एक आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, जब कोई कारण बताना हो, परिणाम बताना हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। When Albert stayed at the African jungle, he chose to put up with many inconveniences such as wild animals and poisonous insects. Sentence number 254. When Albert stayed, बच्चों यहाँ पर प्रपोजिशन जो है स्टे के साथ में एट नहीं इन आया करती है, तो गाइस यहाँ सेंटेंस में आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी इन। क्या हो जाएगी? इन। फर्स्ट पार्ट में ही आपको दे दी गई है मिस्टेक। व्हेन एल्बर्ट स्टेड इन द अफ्रीकन जंगल, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही है मिस्टेक। आपको सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर निकाल के आनी है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सो मी बिफोर, मैं चौंक गया व्हेन द होस्टेस, तो बच्चों होस्ट बोलते हैं मेहमान नमाजी करने वाले को, ये कहना चाह रहा है वो। सो यहाँ पे यही समस्या आपके सामने आ रही है। स्माइल्ड एज इफ शी सो मी बिफोर, यहाँ सेंटेंस में उसने बिफोर का इस्तेमाल किया है। यस, तो सेंटेंस में बिफोर आने की वजह से एज इफ शी हैड सीन आपका होना चाहिए था, क्योंकि ये रूल आपने टेंसेस में पढ़ा होगा बिफोर वाला, कि एक पार्ट आपका परफेक्ट में और दूसरा पार्ट आपका इनडेफिनेट में बनेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म में बनेगा। एक पार्ट बनेगा परफेक्ट में, दूसरा पार्ट आपका बनेगा इनडेफिनेट में, यानी कि सेकंड फॉर्म में। सो गाइज यहाँ पर भी आपका बिफोर वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है आपके फिलहाल मिस्टेक। यस गाइज, सेंटेंस नंबर 256, ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग। सो गाइज ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस में आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी वन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरह के कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, वर नहीं, यहाँ पे वोज होना चाहिए था। हिज नीड फॉर अफेक्शन 257, हिज नीड फॉर अफेक्शन स्टैम, तो गैस स्टैम नहीं, स्टैम्स होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब होगी, स्टैम्प्स ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, इसलिए गैस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में आपको मिस्टेक दे दी गई है। Due to his negligence, sentence number 258. Due to his negligence, यह आपका पूरा होगा, पूरा खत्म है sentence, क्योंकि preposition के बाद है। He failed, second form, in the examination. Sentence में कुछ है ही नहीं जिसमें आपको error ढूंढनी पड़े। Sentence में subject आया, एक verb आई, बात खत्म, उसके पहले भी preposition वाला portion, उसके बाद भी preposition वाला portion, sentence में कुछ है ही नहीं, sentence आपका no error कहलाएगा। Sentence number 259 देखिएगा। I went to see the Taj Mahal in a moonlight. I went to see the Taj Mahal. ताज महल से पहले दा लगाया जो कि ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जो कि ठीक है, पास्ट में बनाया जो कि ठीक है, वेंट के साथ टू लगाया जो कि ठीक है, तो गाइस सेंटेंस पूरा ठीक ही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस कहलाएगा नो एरर। Having found a piece of cheese, two cats went to a dog to divide it among them. तो गाइस having found a piece of cheese, जब उनको मिला एक पनीर का टुकड़ा, टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट अमंग डैम, नहीं बिटवीन डैम, क्योंकि दो ही कैट थी, कितनी कैट थी बच्चों, दो कैट थी, तो आपको बिटवीन लगाना है नॉट अमंग, क्या लगाना है यहाँ पे, बिटवीन। सेंटेंस नंबर 261 से 265,
SSC CGL टीयर वन परीक्षा 19/5/2013 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। कब बच्चों? सेकंड शिफ्ट में। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। फिर वही सेंटेंस, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि प्रेजेंट इनडेफिनेट नाम का लेक्चर मेरा पूरा देखेगा यूट्यूब पे आप, आधा घंटा आपका लगेगा मुश्किल से, जिसमें मैंने बताया है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं दुनिया में जिनके साथ कभी भी ing फॉर्म नहीं आया करती है। तो वो वर्ब आपके सी, लुक, वॉच, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, उनमें से आपके एक टेस्ट भी है, स्मेल, टेस्ट, तो टेस्ट की ing फॉर्म नहीं होती है। तो यहाँ पे द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर वॉज टेस्ट गुड, तो गाइस यहाँ पे आप सेंटेंस में टेस्ट की जगह टेस्टेड कर दीजिए तो सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। 262 सेंटेंस देखिएगा, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शन। सो गाइस यहाँ पे बता दूँ मैं आपको सही सही बात, कास्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना किसी चीज को। फेंकना, और बच्चे ध्यान रखें कास्ट आपके एक वर्ब है जिसका मतलब है फेंकना। कास्ट के तीनों फॉर्म यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम रहती है, कास्ट, 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 तो ये चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो उसने कास्टेड किया है ये आपका रॉन्ग है, इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है गाइस। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे आ गया है तो सेंटेंस सिंपल पास बनेगा। जब भी सेंटेंस में यस्टरडे लास्ट, प्रीवियस, एगो आदि शब्दों का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस सिंपल पास बनेगा। यहाँ आपका हैव आएगा ही नहीं। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही दे दी गई है मिस्टेक। यस गाइस, फिलहाल सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको मिस्टेक दे दी गई है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रमेश इज स्मार्टर इनफ। बच्चों पहली बात तो ये ध्यान रखें कि इनफ का इस्तेमाल ENOUGH इनफ का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, नॉट कंपेरेटिव डिग्री के साथ। दूसरी बात, यह हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद आया करता है। रमेश इज स्मार्ट इनफ, रमेश इज स्मार्ट इनफ, नॉट स्मार्टर इनफ, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है, यहां पर भी मिस्टेक। किंग पेंगुइन्स आर एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समर डेज। 265 किंग पेंगुइन्स के साथ में आर ठीक है, एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समर डेज, सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक है नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एस, यानी कि फोर्थ करेक्ट। 266 से 270 SSC CGL टीयर वन 2013 सेकेंड शिफ्ट, इट हैज़ बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेज कैंसर सेल्स टू ग्रो। तो गाइस ध्यान दीजिएगा 266 में, इट हैज़ बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली, तो गाइस यहाँ पे जो उसने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, इस चीज़ में फिलहाल कट कर दूँगा, प्रिपरेशन के बाद है, डोजेस के हिसाब से यहाँ पे कॉजेज नहीं होना चाहिए था, कॉज होना चाहिए था ओनली, क्योंकि डोजेज आपका अपने आप में ही प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आपके आने चाहिए थी, तो कॉजेज नहीं ओनली कॉज। तो गाइस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 डेज। टीचर ने एडवाइस दी है, बच्चों एडवाइस के साथ कभी भी कोई प्रपोजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको याद होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग सैड को चेंज किया करते हैं, याद है, सैड को चेंज किया करते हैं हम लोग सैड टू को टोल्ड में, एडवाइस में, सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में। तो आप इनको हटा करके ही तो एडवाइस वगैरह लगाया करते हैं। अब आप इनको हटा करके भी जब एडवाइस लगा रहे हैं तो क्या उसके साथ भी टू लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, एडवाइस ही आएगा ओनली। तो क्या सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हम मिस्टेक है। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऊन आया करता है जो कि सत्य है, और उसके बाद सेंटेंस में कुछ है नहीं, सेंटेंस आपका हो गया नो एरर।
एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड मे फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कंसर्न. कैंसर्स. सो गाइज पहला सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है इसमें भी, ये भी हुआ आपका नो एरर 269. मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर, बिल्कुल ठीक है. मिस्टर गौरव शर्मा जो है डिनर पर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस. कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं जहाँ पर मुझे दिमाग लगाना पड़े, तो ये सेंटेंस भी वो आपका नो एरर. नेक्स्ट देखिएगा 271 से 275, जो कि SSC, CAPF, SI और CISF ASI परीक्षा में आया हुआ है 2013 में ही. When one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry. जब किसी ने सुना, when one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry. तो कैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, when one hears of the incident about a plane crash, क्योंकि यहाँ पे plane crash की घटना जो है डेफिनेट नहीं है, ना ही आपको पता है ये कौन सी घटना है, तो यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे नॉट द का. सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है. आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वेइंग, सिंपल है बच्चों, कई बार बताया है विद अ व्यू टू के बाद आपका जीरण आएगा. क्या आएगा आपका जीरण. तो गाइस यहाँ पे सर्वे की जगह SURVEYING सर्वेइंग होना चाहिए था, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही मिस्टेक है. इट हैड लेड, याद कीजिए बच्चों मेरे एक बात, अगर आपको याद आ रही हो, जब भी सेंटेंस में फ्यू याद आया कुछ कुछ, अभी भी अगर अभी भी याद नहीं आया है तो दिमाग लगा लो फटाफट से मेरे इस रूल पे. कितनी बार ये रूल आपका आ चुका है, अभी तक 300 सेंटेंस नहीं हुए हैं यार, 300 सेंटेंस में ये कम से कम 85 बार रूल आ गया होगा आपका. जब सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, ले और लाई आपका हो, समझ जाओ गलती सेंटेंस के उसी पार्ट पर है, और यहाँ पर वही हुआ है. यहाँ पर उसने लेट का इस्तेमाल किया, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी. ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस. तो बच्चों टू गिव एविडेंस, बच्चों व्यक्ति, देखिए जब व्यक्ति जाता है तो वो एविडेंस यानी कि प्रमाण बन किया जाता है एज ए विटनेस. तो ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव एज ए विटनेस, या फिर बस ये ठीक रहेगा, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है. ही लाफ्ड ऑन हर, ये गलत है बच्चों. LAUGHED लाफ के साथ हमेशा एट आया करता है, नॉट ऑन, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है. सेंटेंस देखिएगा 276 से 295, भाई वाह, कम से कम 20 सेंटेंस हैं जो कि आपका CGL टीयर 2 में आए हुए हैं 2013 में. CGL टीयर 2 2013 में ये एग्जाम में आए हुए हैं आपके, थोड़ा सा केयरफुली. द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च ऑन 2009 वॉज डिजाइन टू फाइंड प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स. सो गाइस यहाँ सेंटेंस में जो शुरुआत में ही मिस्टेक दे दी गई है वो देखिए ध्यान से. द केपलर स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड इन 2009, नॉट ए ऑन 2009. ऑन आपका डेज नेम से पहले और डेट प्लस मंथ से पहले लगता है. तो गाइस सेंटेंस में सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, सेकंड से मतलब क्यों पार्ट में मिस्टेक है. ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले नहीं प्लेज, गाइस क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में ईच आया है, क्या है आपका ईच. दीज ऑल मैंगोज आर राइप, ऑल दीज मैंगोज, नॉट दीज ऑल मैंगोज, सेंटेंस का पहला ही पार्ट मिस्टेक है. अ प्रिंस वर इन सर्च ऑफ, बच्चों अ प्रिंस जब कह रहा है तो वर तो आने से रहा, सिंपल सी बात तो यही है, सबसे पहले मिस्टेक शुरू में ही है. अ प्रिंस वॉज इन सर्च ऑफ, सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है, यानी कि पी पार्ट में मिस्टेक है.
इफ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। अगर आपको सुनाई दे रही है इंगेज टोन तो रिप्लेस कीजिए रिसीवर को और फिर से डायल कीजिए। इफ यू हियर इंगेज टोन, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। तो यहाँ पे गए सेंटेंस में इफ यू हियर एन इंगेज टोन, सेंटेंस में यहाँ पे सेकंड पार्ट में एन इंगेज्ड आपका होना चाहिए था जो कि नहीं है, सेकंड पार्ट में ही मिस्टेक है। आई विजिटेड माय ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमाज हाउस एंड फाउंड दे आर मिसिंग। सेंटेंस नंबर 281, मैं गया अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के हाउस पे एंड फाउंड दे आर नहीं दैम एंड फाउंड दैम मिसिंग। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है, नॉट दे आर। द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, न्यूज़ जो मुझे मिली थी वो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आया करती है। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, हैव आया, इज आया, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म है, इज हमारे साथ में एडजेक्टिव है, जो कुछ हमें चाहिए था वो सब इस सेंटेंस में है, ये सेंटेंस कहलाएगा आपका नो एरर। हु अरेंज द चेयर्स, 283 सॉरी, हु अरेंज द चेयर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी ये भावना नहीं निकल के आ रही है बाहर कि सेंटेंस आपका सिंपल पास बनेगा। चेयर किसने अरेंज की या फिर चेयर किसने अरेंज की हैं, आप यहाँ पे सेकंड पार्ट में हैज़ लगा सकते हैं, वैसे तो मेरी राय में सेंटेंस नो एरर भी है, लेकिन आप सेंटेंस में हैज़ लगा के भी सेंटेंस को बना सकते हैं। हु हैज़ अरेंज द चेयर, सेंटेंस कुछ इस तरह ही बन सकता है, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, लोग जो रहते हैं शीशों के घरों में, तो लिव ऑन, ऑन नहीं इन, बच्चों घरों के अंदर आ जाता है नॉट घरों के ऊपर, तो गैस यहाँ पे आपका हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इन, पहले पार्ट में हो जाएगी आपकी मिस्टेक। नेक्स्ट देखिएगा 285, यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। सो गाइज यहाँ पे यू शुड लर्न, शुड के साथ फर्स्ट हो में, बिल्कुल ठीक है, टू अडॉप्ट, गाइज अडॉप्ट का मतलब होता है, ये आपके तीन वर्ड हैं आपके, एक तो है अडॉप्ट, दूसरा है अडॉप्ट, तीसरा है अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडॉप्ट मतलब अनुकूल बनाना, और अडॉप्ट मतलब निपुण। फिलहाल गाइस सेंटेंस में है तो मिस्टेक इसी बात को लेकर के, टू अडॉप्ट की जगह टू अडॉप्ट होगा, यस अनुकूल बनाना, यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योर सेल्फ, आपको अनुकूल बनाना होगा परिस्थितियों के अनुसार, ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस के फिलहाल पहले पार्ट में हो गई है मिस्टेक। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विद अ टॉवल इन द हैंड, शरीर के अंगों के नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम के साथ में आर्टिकल का इस्तेमाल आपका नहीं होगा, तो सेंटेंस के आपके फिलहाल हो गए थर्ड पार्ट में मिस्टेक। ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आइज रिटेन्ड अ लुक ऑफ सोलमनेस। सो गए यहाँ पे सोलमनेस का जो उसने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, पहले तो शुरुआत से देखेगा, ही वॉज स्माइलिंग जो कि ठीक है, बट हिज आइज रिटेन्ड वॉज सेकेंड फॉर्म पास्ट अ लुक ऑफ सोलमनेस। तो गए यहाँ पे सोलमनेस की जगह सोलम करें खाली तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर बस इतना ही रहने दीजिएगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दीज डेज डू दे। तो गाइज यहाँ सेंटेंस में बहुत प्यारी मिस्टेक उसने दी है जो कि शायद आपको दिखेगी। सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, सेल्डम आपका आ चुका है, समझो सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनेगा जो कि उसने बनाया भी है, तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं, सेंटेंस आपका नो एरर है, यानी कि इसके फोर्थ पार्ट में हो जाएगी एरर, यानी कि इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा सॉरी। आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन, सो मैं जाऊँगा 3 o'clock की ट्रेन से, सो आई शैल गो बाय द
थ्री ओ क्लॉक्स ट्रेन। सो गैज यहाँ पर 289 में जो उसने थ्री ओ क्लॉक्स किया है, पहले तो क्लॉक में एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा बिकॉज थ्री ओ में पहले आ चुका है, डबल एपोस्ट्रोफियस अलाउ नहीं है, डबल कुछ भी सेम फैमिली का अलाउ नहीं है, ये वैसे भी ध्यान रखें आप लोग। तो गैज यहाँ पे वही मिस्टेक हुई आपसे, सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी टू टी नॉट फॉर टी, क्योंकि इनवाइट के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू चला करती है नॉट फॉर, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक हो गई है। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विद हिज जूनियर, उसने डिस्कस किया मर्डर केस अपने जूनियर के साथ में। यहाँ एक गलती वो कर सकता था कि डिस्कस के साथ में प्रपोजिशन लगा सकता था, लेकिन बच्चों डिस्कस के साथ में कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ, नो एरर। 292 अर्थ डेजर्ट इज अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम कॉन्स्टेंटली पुशिंग लाइफ टू द लिमिट, सेंटेंस की शुरुआत में उसने क्या कहा आपसे उसको देखिएगा, कह रहा है कि अर्थ डेजर्ट जो कि प्लूरल है, अब आपको प्लूरल के साथ में प्लूरल लगानी पड़ेगी नॉट इज, यहाँ पे आर आपका होना चाहिए था, सेंटेंस के क्यू पार्ट में हो गई है मिस्टेक इन माय ओपिनियन। पहली बार एक काम का और जानदार सेंटेंस मिला है बच्चों, आपने नॉर्मली लिखा देखा होगा अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू मी। गाइज मैं आपको बता दूँ अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल हम लोग अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम कुछ भी लगाते हैं, लेकिन गाइस ध्यान रखें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में यानी कि आई और वी के साथ में आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू को आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन माई ओपिनियन, जो कि ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रिफरेबल, बच्चों प्रिफर के साथ में कभी भी मोर देन आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। इट इज अ डेजर्टेड प्लेस नॉट डेजर्ट, तो गैज यहाँ पे डेजर्टेड हो जाएगा नॉट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लेस एक नाउन है और नाउन से पहले आपको एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि ईडी लगाने पर बनेगा, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एरर है। यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ में आप ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 296 से 300 आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आया हुआ है, क्या कह रहा है उसको सुनिए। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स नॉट बाइनोकुलर, बच्चों जो चीज़ हमेशा चलती ही पेयर में है, जैसे कि बाइनोकुलर बोलते हैं दूरबीन को जिसके अंदर दो हिस्से होते हैं बच्चों, जिसके अंदर पहले से ही दो हिस्से होते हैं, आप उसके साथ में हमेशा एस लाएंगे ध्यान रखें, जैसे कि सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ग्लासेस, शूज, सॉक्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैजामाज, उन्हीं में से एक आपका बाइनोकुलर्स, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बच्चों जब प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से ही की जाए तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, खासकर तब जब वो मर चुका हो, अगर जिंदा है तो आर्टिकल चल सकता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन हैदराबाद, जो क्लाइमेट है मुंबई का हैदराबाद से अच्छा है, बच्चों हैदराबाद से नहीं हैदराबाद के क्लाइमेट से अच्छा है, तुलना यहाँ पे क्लाइमेट की हो रही है मुंबई के, तो हैदराबाद के भी क्लाइमेट से ही होने चाहिए, तो द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो जाएगी मेयर एरर। देखिए सेंटेंस नंबर 299, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इज बिकम, या मोर से पहले आपको द लगाना होगा, क्यों मैं आपको बता दूँ, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर आपको देन ना दिखाई दे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्स से पहले किया गया द, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। 300 में हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द इंटरनेशनल लेवल, हसन जो है दोनों खेल खेलता है क्रिकेट भी और बिलियर्ड्स भी इंटरनेशनल लेवल पर,
नेशनल लेवल पर, तो गैस सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और आज हमने 300 का एक गोल्डन आंकड़ा छू लिया है। आज की ये वीडियो भी यहीं रहेगी आपकी। आगे की वीडियोस के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। आज आपको मैंने लगभग 150 सेंटेंस सोल्व करवा दिए हैं, जो कि आज के लिए काफ़ी हैं बच्चों, इतने ऑफलाइन क्लास में आप सोल्व नहीं कर सकते। मेरी एक ऑफलाइन क्लास चलती है किरण की बुक के नाम से ही, जो रात को 7 से 8 का बैचेज अभी पढ़ा करके मैंने वीडियो बनाई है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि उस क्लास में भी हम लोग डेली 40 सेंटेंस के आसपास ही सोल्व कर पाते हैं बस, जो कि अपना में बहुत बड़ा महारत दिखाई देता है हमें। सो गाइस, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।